दोस्तों सांप एक ऐसे जीव है जो कई लोगों को बहुत क्रीपी लगते हैं। उसके बहुत से रीजन्स हैं। उनके हाथ पैर नहीं होते, उनके शिकार को पकड़ने का जो तरीका, या अपने जबड़े के साइज से बड़े शिकारों को भी खा लेने की क्षमता, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे लोग बहुत डरते हैं। सांप उन लोगों को बहुत अजीब लगते हैं, भयानक लगते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीम एजियन का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और कई लोगों के दिल में ये सवाल भी आता होगा मनोज कि सांप कैसे अपने जबड़ों से बड़े शिकारों को भी खा लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिकार जो है सर्वाइव करने के जो जद्दोजहद है उसकी, उसमें शिकार जीत जाता है। तो आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में होता क्या है कि सांप अपने जबड़े से बड़ा शिकार कैसे खा लेता है, और क्या हर वो शिकार जो सांप के जबड़े से बड़ा होता है क्या वो उसकी क्षमता से भी बड़ा होता है। इस पर हम आज बात करने वाले हैं कम्प्लीट डिटेल में। तो मनोज, कुछ दिनों पहले एक ऐसा वाकया हमने देखा था जहां एक ब्रोंज बैक ट्री स्नेक एक मेंढक को खाने का प्रयास कर रहा है, और जो वहां एक छोटी सी जंग चल रही थी, मेंढक खुद को सांप के जबड़े से बचाने के लिए जो कर रहा था, जो वो करते हैं, अपने को फुला लेते हैं, इतना ज़्यादा फुला लेते हैं कि सांप जो है उनको ना खा पाए। और ब्रोंज बैक भी इसी इंतज़ार में उसको पकड़ के रखा हुआ था कि कभी तो मेंढक हार मानेगा, कभी तो उसकी सांस फूलेगी, और कभी तो वो जो अपने आप के अंदर जो उसने हवा भर रखी है उसको वो छोड़ेगा। तो अंत में क्या हुआ ये तो हम अंत में ही बताएंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज सांप लगाते हैं अपने शिकार को खाने के लिए, और क्या स्ट्रैटेजीज उन शिकारों के पास होती है सांपों से बचने के लिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि सांप अपने जबड़े से बड़ा शिकार जब पकड़ते हैं या खाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनको ये करने में मदद करती हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि सांप जो है तो उनके पास जॉज ना हो के लिगामेंट होते हैं, तो डिसलोकेट की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, उनके पास स्ट्रेची लिगामेंट्स होते हैं जिसके वजह से वो नीचे के जो आप कह सकते हैं, अगर जॉ का अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर लेते हैं लिगामेंट्स के थ्रू, और जो नीचे के दो रहते हैं वो आपस में ही डिवाइड हो जाते हैं, और स्ट्रेचेबल इनका तो स्किन इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल रहता है कि ईजिली अपने हेड से बड़े शिकार को वो ईजिली स्वेलो कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो धीरे धीरे जो है उस पर अपनी पकड़ बनाते हैं शिकार को, और उसको निगलने का प्रयास करते हैं। तो वैसे तो सांपों के कई शिकार हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर इसी इंस्टेंस पे बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं मेंढक पे। तो मेंढक यहाँ पे क्या करता हुआ दिख रहा है? मेंढक देख सकते हैं आप इस वीडियो में कि मेंढक जो अपने आप को फुला लिया, इसके अंदर अपने हवा भर लिया, जिसके वजह से उसे भी पता है कि वो ब्रोंज बैक का मुँह एक लिमिट तक ही ओपन होगा, और वो उसे अगर अपने शरीर को ऐसे ही फुलाता गया तो कहीं ना कहीं वो ब्रोंज बैक भी हार मान के उसे छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनोज, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि सांपों के मुंह में जो दांत होते हैं, और दांतों का जो कहना चाहिए जिस तरीके से दांत झुके होते हैं या जिस तरीके से दांत टिल्ट होते हैं, क्या उसका भी कोई रोल है शिकार को अंदर खींचने में और निकलने में? जी बिल्कुल, रोल होता है। जैसे कि अगर आप वेनमस स्नेक्स की बात करें, सबसे पहले तो वाइपर्स में कि उनके जो हिंज फैंग होते हैं वो अपने आप शिकार में वेनम इंजेक्ट करने के लिए प्रॉपर तरीके उसके लिए डेवलप होते हैं। और जो ट्री स्नेक्स होते हैं उनके आप देखे होंगे कि उनका जो मुंह का जो एरिया होता है वो थोड़ा लंबा होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि उनके जो होल्डिंग टूथ है वो उनकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पेड़ों पर रहने वाले जो छिपकली हो गए, गिरगिट हो गए, या फिर मेंढक हो गए पेड़ों पर रहना, तो उनके हिसाब से उनके बॉडी को ग्रिप करने के लिए उनके जो हेड का शेप और साइज होता है वो थोड़ा लंबा होता है। बिल्कुल। और नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो होल्डिंग टूथ जिस तरीके से मतलब मुंह में होते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब सांप शिकार को निगल रहे होते हैं तो वो जो होल्डिंग टूथ है वो क्या सांप को शिकार को निगलने में सहायता करते हैं, या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि वो दांत में से शिकार फंस रहा है और निगलने में दिक्कत होती है, क्योंकि सांप चबा नहीं सह सकते? जी बिल्कुल भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनका जो टूथ हो जाता है वो एंगल में रहता है पीछे की ओर। अगर आप जैसे ही कोई भी शिकार उसमें आता है अगर अंदर की ओर जा रहा है तो वो ईजिली
वहाँ से ग्लाइड होके अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर अपोजिट वे में निकल रहा है तो उसके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा मुंह से बाहर निकलने के। तो आप कह रहे हैं कि रिगर्जिटेशन का जो प्रोसेस होता है जब सांप सांप अपने खाए हुए शिकार को निकालने का प्रयास करता है तब बहुत दिक्कत होती है, उसको परेशानी होती है, और शिकार जो है जो खाते समय बहुत आसानी से अंदर की ओर जा रहा था, निकालते समय उसको उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि उसके शिकार के पास और क्या क्या तरीके होते हैं जब सांप उसको पकड़ता है शिकार को, तो शिकार के पास और क्या क्या तरीके होते हैं सांप से बच निकलने के लिए। हम ये बहुत अच्छे से जाना जाते हैं कि प्रकृति ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, प्रकृति ने अगर शिकारियों को कुछ शक्तियां दी हैं, कुछ ताकत दी है, दे दिया है, तो उनके जो प्रेज हैं, उनके जो शिकार हैं, उनको भी बच निकलने का बराबर मौका प्रकृति ने दे दिया है। तो मेंढकों की बात करने के बाद मैं आना चाहूँगा चूहों पर और जो बाकी छिपकली वगैरह जो बाकी शिकार होते हैं, जैसे अगर सांप इनका पीछा कर रहे हैं तो इनके पास क्या तरीके होते हैं बच के निकलने के, या क्या चांसेस आपको लगते हैं इनके पास होते हैं? सबसे पहली बात तो जो इनके जो चूहे हो गए या फिर छिपकली हो गए वो काफ़ी फास्ट होते हैं, कई बार सांप से निकल के ये भाग जाते हैं जी। और दूसरी बार क्या होता है, आपने कई बार वीडियो में देखा होगा कि अगर सांप किसी लिजर्ड को बाइट करता है तो वो बदले में भी वो उसे बाइट करता है। बिल्कुल सही। उनके पास लंबे लंबे अच्छे खासे क्लॉज होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि सांप किसी शिकार को निगलते हुए ही सांप की डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो उसके साइज से बड़ा है, उसके क्लॉज लंबे हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से झटपटाते हैं, जिसके वजह से उनके जो सॉफ्ट जो रहते हैं अंदर के जो लेयर रहती है जो स्किन की, वो कई बार फट जाते हैं। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस जी, बिल्कुल बहुत सही है। और यहाँ शिकार इतने भी लाचार नहीं होते जितने हमको दिखते हैं, उनके पास भी वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो सांप से छूट के निकल जाए। कई बार मनोज हमने देखा है कोबरा के जो फन होते हैं वो इंटैक्ट नहीं होते, वो कहीं से कटे पिटे होते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि ये शिकार पकड़ने के दौरान हुई झगड़ों की एक प्रकार से निशानी हो? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सांपों का यूजुअली शिकार जैसे कोबराज का हो गया, चूहे होते हैं या तो नेवले होते हैं, कई बार वो सांपों को बाइट कर देते हैं, जिसके वजह से जो उनके हुड में एक कई बार डैमेज कट आ जाता है, वो लाइफ टाइम रहता है। ऐसा उनको इस तरीके का एक्सपीरियंस करने के लिए वो ऑलरेडी तैयार रहते हैं, कहीं ना कहीं नेचर इस तरीके से बनाया, लेकिन वो भूखे नहीं रह सकते, उन्हें करना ही होता जी। तो दोस्तों ये बिल्कुल ना समझें कि सांप जिस शिकारों को पकड़ रहा है, कोई भी जीव जो अपने शिकारों को पकड़ रहा है, शिकार के पास कोई मौका नहीं होता। प्रकृति ने हर जीव जंतु को पर्याप्त ताकत दिया है, पर्याप्त मौका दिया है, शिकारियों को शिकार करने का इंस्टिंक्ट और उनके शिकारों को बचने के तरीके दिए हैं। तो हस्तक्षेप ना करें, नेचर को अपना काम करने दें। अंत में ये हुआ कि ये मेंढक उस ब्रोंज बैक की पकड़ से छूट गया। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।